2019 लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बीजेपी के पुराने सहयोगियों में से एक अपना दल ने अपने तेवर कड़े कर लिए थे। इतना ही नहीं, पार्टी ने एनडीए से अलग होने की अनकही चेतावनी तक दे डाली थी, लेकिन किसी तरह अमित शाह ने मामले पर डैमेज कंट्रोल किया और कड़ी मशक्कत के बाद अपना दल को एनडीए के साथ जोड़े रखा। लोकसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया तो वो काफी चौंकाने वाला था। विपक्षी पार्टियों को तो छोड़िए, खुद एनडीए के सहयोगी दलों को भी यकीन नहीं था कि बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन बीजेपी की इस जीत से सबसे ज्यादा किसी को झटका लगा है तो वो है अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को। पहले तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी से केंद्र में किसी को मंत्री नहीं बनाया गया, फिर यह कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि उनके पति को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। एक वक्त कुर्मी वोटरों को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल पर निर्भर रहने वाली बीजेपी के हाथ ऐसा क्या लग गया कि उन्होंने अनुप्रिया पटेल को साइडलाइन करने का मन बना लिया? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को क्यों साइडलाइन करने का फैसला लिया है। जानकारों की माने तो चुनाव के दौरान अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार कर लिए थे। सूत्रों की माने तो अनुप्रिया प्रियंका गांधी के संपर्क में भी थी, जो बीजेपी आला कमान को नागवार गुजरा, लिहाजा उसने अपना दल को साइडलाइन करने का फैसला कर लिया। वहीं कुर्मियों को साधने के लिए उसने स्वतंत्र देव सिंह को यूपी की कमान सौंप दी तो आनंदीबेन पटेल को गवर्नर बना दिया। कैबिनेट विस्तार में अनुप्रिया के पति आशीष पटेल के बजाय मिर्जापुर के मणिहान से विधायक रमाशंकर पटेल को मंत्री बना दिया। इसके अलावा पूर्वांचल की जिन्हौर सीटों पर अपना दल के मौजूदा विधायक हैं, वहां बीजेपी ने अपने संगठन के कुर्मी नेताओं को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। यानी मामला पूरा साफ है कि योगी सरकार 2022 के चुनाव पर रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि 2022 की वैतरणी को पार करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी सेना में बड़े बदलाव किए हैं और कुर्मी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी खुद मैदान में उतरने का प्लान बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।